तो गाइस आज मैं अपना ये सुंदर सा साइकस पाम प्लांट दिखा रही हूँ, जो कि एवरग्रीन खिला है एकदम। बहुत ही सुंदर इसके पत्ते निकले हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। और इसमें कोई कलर ऐड नहीं है, ये नेचुरल कलर है इसका, आप यकीन नहीं मानोगे। जो वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना रियल में इतना अच्छा दिख रहा। तो देखिए इसके पत्ते कितने कोमल कोमल है। और इसके थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आप लोगों को, जितनी मुझे मालूम है, वैसे ज़्यादा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये एक पाम की वैरायटी है और ये आउटडोर इंडोर भी लगाया जा सकता है, मतलब लगा सकते हैं। और ये इसको प्रोपोगेट करना हो तो इसकी जड़ में से पप्स निकलते बल्ब के थ्रू लगाया जाता है, और ये बीजों से भी लगाया जाता है। और इसको छाई में ग्रो करे तो इसके पत्तों का कलर बहुत ही प्यारा निखर के आता है, अगर छाई में लगाए तो आप लोग। तो गाइज ये गमले में भी लगा सकते हैं इसे और ज़मीन में भी। अब जो टॉपिक है गुलदावरी के ऊपर है। अब आज दिल्ली में पहली बारिश हुई है और बारिशों में अब कटिंग शुरू होगी लगाना। तो गाइस देखिए मेरे ये गुलदावरी के जो पौधे हैं इनमें से अब मैं कटिंग लेके इनकी कटिंग बनाऊंगी। और कुछ मेरे ये देखिए अपने आप ही, पता नहीं करेले के हैं पता नहीं तोरई के हैं, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा इनके पत्तों से, तो ये अपने आप ही पौधे निकले आए। और ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, ये सूख गया गर्मी से, भीषण गर्मी जो पड़ी थी उसके कारण। एक हिबिस्कस ये है जो कि अभी इसमें फूल नहीं आ रहे, और फूल आते हैं इसमें लेकिन अभी नहीं आ रहे। और ये मेरा अनार का प्लांट है, अभी इसमें भी अनार नहीं आ रहे, छोटा ही है ये, ज़्यादा अभी इसकी एज नहीं है। तो हाँ ग्रोथ अच्छा कर रहा है ये, इसकी गुड़ाई उड़ाई मैंने करवा के इसमें खाद डलवाई थी तो अच्छा चल रहा है ये भी। और ये साइड में मेरा इसका फर्न है, ये उसका जो मैंने अभी दिखाया था उस दिन वीडियो में, नाम मैं भूल जाती हूँ वीडियो में जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ। तो देखो ये देसी वाली वैरायटी, इसमें कांटे हैं, इसको शतावरी भी बोला जाता है, इसके मतलब छोटे छोटे बीज भी आते हैं रेड कलर के। चल फिर कट। तो जैसा कि हर साल हम गुलदावरी की तैयारी करते हैं, तो इस साल भी फिर से हम शुरू करते हैं गुलदावरी की कटिंग लगाना, जो कि मैं अब कल देखती हूँ। इस पर भी एक वीडियो मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है गुलदावरी के ऊपर, और मैं दोबारा भी वीडियो डाल दूँगी जो मेरे व्यूअर नए जुड़े हैं हमसे उनके लिए। तो चलो फिर इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो बनाई है, इसको हम यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।